अयोध्या में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में घिरी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अभी कम भी नहीं हुई थी कि अब अचानक अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं की पार्टी के नेता पर लगे रेप के आरोपों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और पार्टी के नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमारी माता बहनों के बारे में, उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं, उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है, और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी, उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। सपा नेता के द्वारा अपने कॉलेज में एक नाबालिग लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई, बहुत घृणित है। अयोध्या के बाद जब कन्नौज में इस प्रकार की घटनाओं, दोनों घटनाओं में बच्चियों के नाम सामने आना, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर रही है, क्योंकि जो नेता जो इसमें पकड़े गए हैं वो श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ी करीबी की उनकी चर्चाएं कन्नौज में हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जिसको कभी मिनी मुख्यमंत्री भी कन्नौज के भीतर कहा जाता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के यदि उसमें लिप्त है तो क्या ये लोग कॉलेज इसीलिए खोल रहे हैं? क्या इसीलिए कॉलेज खोले जाते हैं क्या बच्चियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें की जा सकें? पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि खुद कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने की है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और PRV मौके पर पहुंची थी, जहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब जब पार्टी की किरकिरी हुई तो समाजवादी पार्टी के कन्नौज के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने नवाब सिंह यादव से पल्ला ही झाड़ लिया और कह दिया कि नवाब सिंह यादव बीते 5 सालों से सक्रिय सदस्य नहीं थे, ना ही पार्टी कार्यालय आते थे। बीते 2021 में सदस्यता अभियान चला था जिसमें उन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, जिस कारण वो पार्टी के सदस्य नहीं थे और उनका सपा से कोई लेना देना नहीं है पार्टी के। लेकिन 5 सालों से समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका, और किसी भी कार्यक्रम में और या कोई हमारे पार्टी के कार्यक्रम में यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हो कभी भी नहीं आए हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चला था 21 में, तो उसमें भी इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, तो कहीं ना कहीं ये पहले से दूसरे के साथ में थे, और आज अगर भी पता करा जाए तो कहीं ना कहीं ये दूसरे के साथ में आज भी हैं लोग, कहीं ना कहीं पैरवी लोग जो कर रहे हैं वो भी दूसरे दल के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में अगर कोई गलत हुआ है तो उसके साथ में अन्याय होना चाहिए। आपको बता दें कि अचानक से सुर्खियों में आए नवाब सिंह यादव को रात के समय पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। डायल 112 पर मिली सूचना के बाद कॉलेज के रूम में पहुंचकर पुलिस ने नवाब सिंह यादव को धर दबोचा। उस समय वो अध्वस्त्र में लेटे हुए थे। नवाब सिंह यादव के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राज में उसे कन्नौज का मिनी CM कहकर पुकारा जाता था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के खासम खास माने जाने वाले नवाब सिंह यादव कन्नौज में डिंपल यादव के सांसदी के कार्यालय में राइट हैंड भी माने जाते हैं।